हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शरीफ एंड यू आर वाचिंग एम शरीफ व्लॉग। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम शरीफ व्लॉग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपके शरीफ भाई दोबारा से आपको लेके आ चुके हैं बाबा लग्जरी कार पे, जहां के आज हम स्टॉक कवर करने वाले हैं। ये सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे सिडान कार भी लगवा रखी है दोस्तों। यहाँ पे आपको i20 मिल जाएगी, इस तरफ में आपको क्रेटा मिलेगी और मिलेगी XUV500। और दोस्तों, लास्ट में आपके लिए लग्जरी कार भी लगा रखी है। तो सारी गाड़ियों की डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लाल कलर का बटन दबा के बगल में दबाना छोटी बेल आइकन, जो कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दोबारा से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन भाई बाबा लग्जरी कार से। विपिन भाई, कैसे हो आप? बहुत अच्छा। सबसे पहले हाय हेलो हो जाए हमारे व्यूअर्स के साथ। तो विपिन भाई, आज लोगों को जो हम गाड़ियां दिखाने वाले हैं, वो दिसंबर चल रहा है, ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, उस मौसम में भी उनके लिए वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो आज के प्राइस कुछ ऐसे होने वाले होने चाहिए जो स्पेशल प्राइस। बिल्कुल, इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म प्राइस मिलने वाले हैं हमारे सभी कस्टमर्स को। ठीक है, सारी गाड़ियों का जो प्राइस है नेगोशिएबल रहेगा। ठीक है, आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी सबसे डील करने की। ठीक है। और दोस्तों, जैसे भी आपको अगर बाबा लग्जरी कार से कोई भी गाड़ी अगर परचेस करनी होगी तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बाबा लग्जरी कार के कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चलती हुई दिखाई दे जाएंगी। और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल और इनके डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप की लोकेशन वो सारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो अब आपको दिखाते हैं दोस्तों बाबा लग्जरी कार का स्टॉक। तो स्टार्ट करते थे विपिन भाई इस वाली गाड़ी से हम, तो इसकी डिटेल्स बता दीजिए आज। तो ये 2011 मॉडल है। ठीक है, शैम्पेन गोल्ड कलर आप देख सकते हैं, तो सामने सबको नजर भी आ रहा होगा। अलॉय व्हील्स हैं इसके, आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी सब गाड़ी जो है अंदर से कंपनी फ्रेंडली है। 5 सीटर है, बीच कलर का इंटीरियर है आपका। ठीक है, पेट्रोल वर्जन है ये वाला, पेट्रोल वर्जन है। ठीक है, और मैनुअल ट्रांसमिशन में है ये। ठीक है, और सब कुछ आप जैसे देख रहे हैं कंपनी फिटेड है अलॉय व्हील्स के अलावा। तो विपिन भाई, जैसे 2011 मॉडल इस गाड़ी का होने वाला है, तो ये गाड़ी कितनी चली हुई होगी? ये हमारी 65,000 किलोमीटर चल चुकी है। 65,000 जी। और सिंगल ओनर है? सिंगल ओनर है। तो सिंगल ओनर के साथ में 65,000 किलोमीटर गाड़ी जो चली हुई है, अगर हम बात करते हैं तो सिटी में इस गाड़ी का एवरेज कितना होने वाला होता है? सिटी में आपका ये 12-13 के आराम से एवरेज दे देगी, मिल जाता है 12-13। और पेट्रोल वर्जन है तो ऑब्वियसली मिल जाएगा अच्छा एवरेज आराम से। तो प्राइस हमने कितना रखा हुआ है इसका? 2011 वरना आपको मिलेगी जी 3,15,000 रुपए में। 3,15,000 रुपए, वो भी नेगोशिएबल होगा? बिल्कुल कर लेंगे। तो दोस्तों, नेगोशिएबल प्राइस के साथ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। अब आपको दिखा देते हैं अगली गाड़ी, हुंडई की i20। तो विपिन भाई, इस गाड़ी की डिटेल्स बता दीजिए। मॉडल ईयर बताएं तो आपको 2014 दिसंबर की गाड़ी है। ठीक है, स्पोर्ट्स वेरियंट है। ठीक है, और डीजल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। मैनुअल ट्रांसमिशन है जी। ठीक है, इसमें जैसे कि i20 में आपको HIDs वगैरह मिल जाते हैं, DLR मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, जो कि सीट कवर्स आप देख रहे हैं अंदर से। ठीक है, ब्लैक रेड कलर के सीट कवर हैं। और इस गाड़ी के किलोमीटर की बात करें तो ये 75,000 के आसपास चली हुई है। और सिंगल ओनर कार है जी। बिल्कुल, अगर मैं अलॉय व्हील की बात करूं तो इसके अंदर में डायमंड कट अलॉय व्हील भी लगे हैं, तो वो आफ्टर मार्केट है? आफ्टर मार्केट लगे हैं। ठीक है, और एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ गाड़ी के, दोस्तों आप भी देख पा रहे होंगे टॉप पे जो इसकी टेपिंग हो रखी है, तो वो ब्लैक कलर में इसके लुक को और इनहेंस कर देता है गाड़ी के। इसमें तो i20 मतलब काफी लोग जो है मॉडिफिकेशन करवाते हैं और ये अच्छी भी लगती है, आप इसमें काफी कुछ करवा सकते हैं, काफी कुछ स्कोप है मॉडिफिकेशन का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के आस्किंग प्राइस कितने रखे हुए हैं? ये आपको मिलेगी जी 4,75,000 रुपए में। 4,75,000 नेगोशिएबल होगा? बिल्कुल होगा। तो दोस्तों, नेगोशिएबल प्राइस के साथ में ये गाड़ी मिलने वाली है। तो विपिन भाई, आज हम एक इन गाड़ियों की डिटेल्स के साथ एक चीज और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, जो कि बड़े लोगों की रिक्वेस्ट होती है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि शरीफ भाई हमें NOC के प्रोसेस के बारे में बताओ। तो बाबा लग्जरी कार पे जो NOC का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और अपने स्टेट में गाड़ी ले जाके वो बंदा गाड़ी पे अपना स्टेट का नया नंबर ले सकता है या नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए डिटेल। बिल्कुल, आप हमारे यहाँ से कोई भी गाड़ी लेते हैं और उसका आपको NOC चाहिए, वो हम NOC हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, उस NOC को आपको अपने RTO में सबमिट करना है, आप कोई भी स्टेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो भी टैक्सेशन होगा वो आपको उसका अमाउंट एग्जैक्ट आपके RTO में ही पता लगेगा। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से NOC निकालने का, वो हम जरूर निकाल के देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके वहीं पे होगा। और गाड़ी का NOC के बाद में ले जाके वहाँ पे उनका टैक्स जो भी बनता है उस गाड़ी का मॉडल के हिसाब से टैक्स बनता है, वो पे करके नंबर गाड़ी का उनको नया मिल जाएगा जी। बिल्कुल, नया नंबर मिलेगा, नई RC बनेगी उनके नाम की। ठीक है, फिटनेस का
इसका ये मतलब है चाय गाड़ी के रह गए 6 महीने यहाँ पे, चाय रह गए 1 साल, ठीक है, आपको एनओसी मिलेगी, वो आप अपने स्टेट में रजिस्टर कराएंगे तो फिटनेस ईयर मिल जाता है कोई टाइम पीरियड, ठीक है, उसके बाद भी दोबारा फिटनेस हो जाती है। अदर स्टेट में ये प्रोसेस है, दिल्ली में फिटनेस ही होती फिलहाल, ठीक है, बाहर के अदर स्टेट में कोई भी गाड़ी आप ले जाओ उनकी फिटनेस बढ़ जाती है आपके वहाँ पे। तो दोस्तों जैसे विपिन भाई ने डिटेल हमें बताई दी है कि गाड़ी का, जैसे आप देखते हो कि 1 साल बचा हुआ गाड़ी का, तो उस पर कॉमेंट करते हैं बहुत लोग कि यार इस गाड़ी का तो इतने प्राइस रखे हैं, इसका कॉमेंट करके मतलब बताते हैं कि इसका तो वैलिड ही नहीं है और ये चलेगी कितना। तो एक्चुअल में फिटनेस का एक प्रोसेस होता है, अदर स्टेट में आप ले जा सकते हो, अगर आप दिल्ली से बाहर से देख रहे हो वहां आप अपनी गाड़ी का प्रोसेस करा सकते हो और उस पर फिटनेस के साथ में और भी काफी टाइम तक गाड़ी को चला सकते हो। तो दोस्तों अब आपको डिटेल बताते हैं इस गाड़ी की, जो कि आप देख सकते हो हुंडई की क्रेटा व्हाइट कलर में बड़ी जबरदस्त कार खड़ी हुई है। तो विपिन भाई पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी की जो डिटेल्स है ना उसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दें कि क्रेटा की डिमांड इतनी ज्यादा होती है, तो ये मतलब क्या कुछ स्पेशल होता है इस गाड़ी के अंदर में? देखिए जैसे कि आप सामने से देख सकते हैं इसका लुक जो है काफी अच्छा है, 5 सीटर है, SUV गाड़ी है, ठीक है, और इंजन वाइज भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहता है, तो ये मतलब हॉट सेलिंग कार कह सकते हैं इसको, ठीक है, हमेशा डिमांड में रहती है क्रेटा। तो इस गाड़ी मॉडल ईयर कितना होने वाला है? 2015 की गाड़ी है ये, ठीक है, डीजल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक में है ये, ऑटोमेटिक गियर, ठीक है, 5 सीटर है और इसमें पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है क्योंकि टॉप मॉडल है ये। अगर हम बात करते हैं ये गाड़ी कितनी चली होगी? ये हमारी 65,000 के अप्रॉक्स चल चुकी है। 65,000 सिंगल ओनर के साथ 65,000 जी। और ये गाड़ी जो होने वाली है वो डीजल में है, डीजल वेरिएंट है। तो इस गाड़ी का प्राइस कितना रखा हुआ है? बाबा लग्जरी कार पे क्रेटा आपको मिलने वाली है 8.95 में, यानी कि 8,95,000 रुपए नेगोशिएबल होगा प्राइस? बिल्कुल होगा। तो दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं ऐसी शानदार कार जिसकी बड़ी ज्यादा डिमांड रहती है और हॉट सेलिंग कार है, XUV 500, प्राइस में काफी कम मिल जाती है, 7 सीटर गाड़ी है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है और W8 वेरिएंट है ये वाला, ठीक है, 2012 मॉडल है, 2012 है जी, ठीक है, में आती है और आपका जैसे 7 सीटर है तो इसमें सब कुछ कंपनी फिटेड मिलता आपको, ठीक है, W8 2012 का टॉप मॉडल ही है, टॉप मॉडल है, W10 W11 वगैरह आगे, ठीक है, उस टाइम जो आपका W8 टॉप मॉडल आता था। और इस गाड़ी के अलॉय व्हील की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कंपनी फिटेड है? जी बिल्कुल, सब कुछ A to Z इसमें आपको कंपनी फिटेड मिलेगा। तो ये गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी चली होगी गाड़ी है? ये गाड़ी हमारी 70 के आसपास चली हुई है। 70 जी, सिंगल ओनर गाड़ी है जी, बिल्कुल सिंगल, डीजल में होने वाली है, डीजल वेरिएंट है। अगर हम बात करते हैं तो सिटी में इस गाड़ी का एवरेज कितना मिल जाता है? सिटी में आपको ये 11-12 के आसपास एवरेज दे देती है। तो इस गाड़ी का जो है प्राइस हम कितना रखने वाले हैं? बाबा लग्जरी कार पे 2012 XUV आपको मिल जाएगी 4.95 में, यानी कि 4,95,000 रुपए नेगोशिएबल होगा प्राइस, बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं आज के वीडियो की लास्ट कार जो कि होने वाली है बड़ी जबरदस्त लग्जरी कार। तो विपिन भाई जैसे आज के स्टॉक में जो गाड़ी हमने कवर की है, जैसे SUV भी दिखाई है और सेडान भी दिखाई है, तो एक आज लग्जरी कार भी हम दिखाने वाले हैं, तो ये तो बड़ा जबरदस्त कलर है, तो इस गाड़ी की डिटेल्स बता दीजिए। ये हमारी ऑडी Q5 है, डीजल वेरिएंट में है, कोत्रो आप देख सकते हैं, टॉप मॉडल है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है आपको इसमें, ठीक है, जो कि काफी बड़ा और अच्छे साइज में है, ठीक है, डीजल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक रहती है हमारी Q5 जो है, ठीक है, कलर आप देख सकते हैं ये कलर हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है, ओके, Q5 काफी सारी आती है तो काफी अच्छा और साफ सुथरी गाड़ी है बिल्कुल, ठीक है, अंदर से भी आप देखेंगे तो नीट एंड क्लीन गाड़ी है बिल्कुल। और इसकी लाइटों की अगर हम बात करेंगे तो लाइट इसमें कौन सी मिलती है? ये HID मिलती है आपको, DRL मिलता है इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके टायरों की तो टायर इसके जो हमें मिलने वाले हैं वो अलॉय व्हील्स के साथ में मिलने वाले हैं, कंपनी फिटेड है पूरी सब में, इसमें अलॉय व्हील्स जो आपको कंपनी से मिलते हैं क्योंकि टॉप मॉडल जो है, 5 सीटर रहती है ये गाड़ी, ठीक है, स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है, स्पेस अच्छा है, एवरेज वाइज भी जो Q3 या Q5 वगैरह रहती है इनकी डीजल में अच्छी एवरेज रहती है इन गाड़ियों की। तो इस गाड़ी का मॉडल ईयर कितना है? 2009 मॉडल है ये, 2009 जी। और इसमें जो कितनी चली हुई होगी ये गाड़ी? ये हमारी 60,000 के आसपास चली हुई है, 60,000 जी, सिंगल ओनर कार है जी बिल्कुल। और ये डीजल में या पेट्रोल में? ये डीजल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट है। तो दोस्तों डीजल वेरिएंट के साथ ऑटोमेटिक गाड़ी है, बड़ी ही जबरदस्त लग्जरी कार है, तो आज आपके शरीफ भाई आपको लग्जरी कार दिलाने का सपना भी पूरा करवाने वाले हैं। तो इस गाड़ी के जो प्राइस भी ऐसे ही होने वाले हैं। तो विपिन भाई इस गाड़ी के जो प्राइस हमने बाबा लग्जरी कार पे कितना रखे हुए हैं?
कंडीशन में आपको बता दूं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है इस गाड़ी की। बिल्कुल, चलाएगा इसको मतलब लेके जाएगा, छोड़ने वाली गाड़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि 2009 मॉडल है, आज जो हमने एनओसी के बताया, जिस जिस स्टेट के एनओसी अवेलेबल रहेगी उस स्टेट के हम एनओसी इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। करवा सकते हैं जी, कुछ लिमिटेड स्टेट है जहाँ की एनओसी कटेगी तो वो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ये गाड़ी जो है रजिस्टर्ड कहाँ का है? ये हमारा दिल्ली नंबर है। दिल्ली नंबर है, ठीक है। तो प्राइस जो इस गाड़ी का रहने वाला है बाबा लग्जरी कार पे वो है 8.95, यानी कि 8,95,000 रुपए। तो नेगोशिएबल प्राइस होने वाला है इसका? जी बिल्कुल, नेगोशिएबल रहेगा। तो दोस्तों नेगोशिएबल प्राइस के साथ में आपको मिल जाएगी ऑडी Q5 2009 मॉडल, आपको मिल जाएगी ये गाड़ी बाबा लग्जरी कार पे 8,95,000 रुपए में। बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। अगर आपको इस गाड़ी को परचेस करना है तो आप आ सकते हो बाबा लग्जरी कार पे और इस गाड़ी को परचेस करके ले जा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम इसी के साथ एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लाल कलर का बटन दबा के बगल में दबाना छोटी बेल आइकन, जो कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास में। और दोस्तों ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको काफ़ी सारी गाड़ियों की डिटेल्स मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू विपिन भाई, शुक्रिया।